एक्सक्यूज मी जिंक्स, पिच में ग्रास है तो ज्यादा सीमर्स खिलाना। करोड़ों में एक बात बोली चैम। अब सुनो एक से एक करोड़ वाली बात। माय 11 सर्कल पे एक रुपए में टीम बनाओ और रोज एक करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। खुद को चैम समझते हो तो माय 11 सर्कल पे करोड़पति बन के दिखाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेल। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube World with you. IPL fans के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज यहाँ पर आ रही है कि IPL रद्द हो चुका है। जी हाँ, पूरा IPL रद्द कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। मतलब इसमें कुछ भी तय नहीं है कि कब दोबारा से IPL शुरू होगा। आज का जो मुकाबला खेला जाने वाला था मुंबई और हैदराबाद के बीच, वो भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की कैंप में रिद्धिमान साहा कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और दिल्ली का भी एक खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। कल खबर आई थी कि KKR के कैंप में संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और आज खबर ये आ रही है कि दिल्ली के कैंप में अमित मिश्रा और सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में रिद्धिमान साहा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उससे पहले कल एक और खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग की कैंप में जो है लक्ष्मीपति बालाजी, जो कि उनके कोच है, वो जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से चेन्नई सुपर किंग ने राजस्थान के खिलाफ जो है मैच खेलने से मना कर दिया था। अब जो है IPL को पोस्टपोन्ड तो नहीं कह सकते, सस्पेंड कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। खबरें ये आ रही है कि एक हफ्ते बाद जो है IPL दोबारा से शुरू हो सकता है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 6 दिन तक 7 दिन तक जो है सभी प्लेयर्स को, जितनी भी टीमें 8 टीमें हैं, सभी प्लेयर्स को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, सभी क्रू मेंबर्स को जो है हार्ड क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद अगर सबका रिजल्ट निगेटिव आता है तो IPL को रीशेड्यूल किया जा सकता है, फिर से दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए IPL को कैंसिल कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि 6 दिन के 7 दिन के हार्ड क्वारंटीन के बाद IPL को दोबारा से शुरू किया जा सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो, और IPL को मुंबई स्थित कराया जा सकता है क्योंकि वहां पर 2-3 वेन्यू हैं, ज्यादा ट्रेवलिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा अगर वहां पे IPL शिफ्ट होता है तो देखते हैं BCCI क्या प्लान बनाती है, क्या IPL को जो है कैंसिल कर दिया जाता है इस साल पूरी तरीके से या फिर 7 दिन बाद 6 दिन बाद जो है IPL को फिर से रीस्टार्ट किया जाता है। दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि इस साल IPL को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर 6-7 दिन बाद जो है फिर से स्टार्ट करना चाहिए सभी खिलाड़ियों को हार्ड क्वारंटीन में डालकर, जब उनका रिजल्ट जो है निगेटिव आ जाता है, सभी लोगों का रिजल्ट निगेटिव आ जाता है तो IPL को दोबारा रिस्टार्ट करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल में अपडेट यही है कि IPL अनिश्चित काल के लिए रद्द हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के बाद से शुरू हो सकता है।